बड़े आइडिया छोटी सी बात से शुरू होते हैं, एक सोच जो कोई खास उत्पाद बनाने को प्रेरित करती है। उत्तम काम के प्रति निष्ठा, लगन और मेहनत से ये आइडिया एक ऐसा रूप लेता है कि कंपनी और उसके पोर्टफोलियो के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। औरंगाबाद की कॉस्मोस फिल्म्स लिमिटेड की शुरुआत 1981 में हुई और ये लचीली पैकिंग, लैमिनेशन, लेबलिंग के साथ उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली कई तरह की फिल्म जैसे हाई बैरियर फिल्म, वेलवेट लैमिनेशन फिल्म और सिंथेटिक पेपर का निर्माण करती है। मेक इन इंडिया के प्रचलन में आने से बहुत पहले ही इस विचार को बढ़ाने वाली कंपनी का भारत के बाजार पर दबदबा है। साथ ही ये दुनिया भर के 80 देशों को अपने उत्पाद निर्यात भी करती है। विश्व लीडर, एक सपने और जोश से प्रेरित, अपने ग्राहकों और साझेदारों के लिए उच्च क्वालिटी और शानदार काम को समर्पित, आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड। पैकेजिंग, लैमिनेशन और लेबलिंग के लिए बनने वाली स्पेशलिटी फिल्म के उत्पादन का दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। दूरदर्शी उद्यमी और जनसेवक अशोक जयपुरिया ने साल 1981 में लाइसेंस राज के दौरान औरंगाबाद में कॉस्मो फिल्म्स की नींव रखकर भारत में BOPP फिल्म्स के उत्पादन की शुरुआत की। जो गवर्नमेंट बोलती थी वही लेटर ऑफ इंटेंट मिलता था, वही बनाते थे और वो आपको बताते थे कि कहाँ बनाना है, कितना बनाना है और क्या बनाना है। तो हमको कुछ तकदीर का खेला था कि उन्होंने BOPP पैकेजिंग फिल्म का लेटर ऑफ इंटेंट हमें दिया 1979 में। उससे हमने ये कंपनी शुरू की। अब आप देखिए इतिहास है कि कहाँ हमने शुरू की थी, 800 टन पर ईयर की कैपेसिटी में, आज हम बनाते हैं 12,000 टन पर मंथ की कैपेसिटी। एक खास बाजार की मांग पूरी करने वाली कॉस्मो फिल्म्स मजबूत मूल्यों से प्रेरित है और इस नारे में विश्वास रखती है कि वो बदलाव की एजेंट है। कंपनी बनती है वैल्यूज पे। वैल्यूज मतलब सिद्धांत। वैल्यूज मतलब ये गलत है या ये सही है, गलत हम करेंगे नहीं, सही हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरा है उनके एम्प्लॉयज पे। जिस दिन मेरा एम्प्लॉई ये समझ लेगा कि ये कंपनी उसकी है, मेरा आप ये समझो 60% काम तो हो गया। तीसरी चीज है, आपको हर जगह पार्टनरशिप तो चाहिए और पार्टनरशिप आती है जब आप ईमानदारी से डील विद करोगे। हमें ये कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि 1980 में मैंने कंपनी शुरू की थी। आप ये देखिए, आज भी हमारे पास कम से कम भी 25-30 लोग ऐसे हैं जो 1980 से हैं। हमारे पास कस्टमर्स हैं जो पिछले 40 साल से हमसे माल खरीद रहे हैं। सबको ग्रोथ पसंद है, हमारी ग्रोथ होनी जरूरी है। अपनी 40 साल से भी लंबी यात्रा में कंपनी ने लगातार प्रगति करी है और अपने उचित सर्टिफिकेशंस की मदद से अपने उत्पादों और उत्पादन दोनों को बढ़ाया है। निर्माण क्षमताओं सारे बिजनेसेस में एक होता है। कितनी कम कीमत पे आप चीज बना लोगे, कितनी क्वालिटी आपकी उत्तीर्ण होगी, कितने आपके कस्टमर बार बार आपके पास आएंगे और वो समझते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं, और कितने लोग आपके सेटिस्फाइड हैं जो ये कार्य करते हैं। औरंगाबाद से एक छोटी सी शुरुआत करके भारत की सबसे बड़ी BOPP फिल्म्स की निर्यातक बनकर कॉस्मो फिल्म्स दुनिया भर में अपना डंका बजा रही है। आज हम 55 या 60 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हर देश में कंपटीशन उसी देश का होता है या उसके अगल बगल के देश का होता है, लेकिन फैक्ट इज कि हमें कम्पीट करना है। आज हम अमेरिका में वन ऑफ दी लार्जेस्ट थर्मल फिल्म के विक्रेता हैं। बनाते इंडिया में हैं लेकिन बेचते US में। सिमिलरली यूरोप में बनाते इंडिया में, बेचते यूरोप में। टोटल मिला के हमारा कम से कम भी 40-45% मार्केट शेयर होगा ग्लोबली, अगर हम अपनी थर्मल हीटेड फिल्म्स की बात करें। अगर कॉस्मो को ग्लोबल स्तर पे हमने सक्सेसफुल बना लिया तो हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। बाजार पर अपनी पकड़ को बनाए रखकर आगे काम करने के लिए तैयार ये कंपनी अब नए नए सेक्टर्स में विस्तार करने की ओर ध्यान दे रही है। कॉस्मो का ये मुद्दा पक्का है कि फिल्म्स में हमें 80-85% स्पेशलाइज्ड फिल्मों का ही काम करना है। हम
अभी दुनिया की सबसे बड़ी कैपेसिटी पॉलीप्रोपिलीन की हमने ऑर्डर कर दी है, 2025 तक हम उसे कमीशन कर देंगे, 24 में उसका काम शुरू हो जाएगा जैसे ही इक्विपमेंट आता है। कास्ट पॉलीप्रोपिलीन जिसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अब हम उसकी भी सबसे बड़ी लाइन दुनिया की लगा रहे हैं, वो भी हमारी 1-1.5 साल में कमीशन हो जाएगी। हमने अब एक नया बिजनेस शुरू किया है, हम पेट्स के बिजनेस में गए, हमारे पास 3 स्टोर तो खोल लिए हमने, 2 खुलने वाले हैं 2-3 महीने में, और हम इतना बड़ा इसका डिजिटल फुटप्रिंट एंड रिटेल फुटप्रिंट खोलेंगे कि हम 150 स्टोर इन द नेक्स्ट 12 महीने या 18 महीने में खोल देंगे। जब बात सस्टेनेबिलिटी की हो तो कॉस्मो फिल्म्स अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है। हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम है, हमारा फाउंडेशन का प्रोग्राम है, हमने जी 2 लाख पेड़ लगाने का इस साल का प्रण लिया है, ऑलरेडी हमारे 55,000 लग चुके हैं। दूसरा, अगर आप देखिए जितनी हमारी प्लास्टिक की रीयूज और रिसाइकलेबिलिटी है, जितनी हम इसकी वेस्ट कमती से कमती रख लें उतना ही एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। हमारी आज जो पोजीशन है, हम कम से कम भी 12,000 से 15,000 बच्चों को एवरी ईयर फ्री में पढ़ाते हैं, और हम उन विलेजेस में पढ़ाते हैं जहां हमारी फैक्ट्री है उनके आसपास, उनको हम कंप्यूटर सिखाते हैं कि वो एम्प्लॉयबल बन जाए। अनफॉर्चुनेटली बड़ा पैंडमिक हुआ, हम जो अपने ही एक छोटे से रूप में कर पाए, हमने भी कोई 15-20 लाख जानों को हाथ छुआ है, खाना दिया, वेंटिलेटर्स दिए, मेडिसिन दिए, वैक्सीनेशन दिए, और जहाँ जहाँ खाना नहीं जा सकता था वहाँ खाना पहुँचाया। अगर ये डिफरेंस हम न कर पाए तो फिर हमें बिजनेस में रहने का हक भी थोड़ा कम है। अच्छी क्वालिटी वाले उत्पाद बनाने की काबिलियत और गुणवत्ता के लिए उत्साह के साथ भविष्य के लिए तैयार कॉस्मो फिल्म्स लगातार सफलता के नए शिखर छू रही है।